स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में CBSE द्वारा संचालित पाटलिपुत्र सहयोदय कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर संपूर्ण बिहार में आपको हमारे संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, मान्यता दी गई। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ कहां था, जिस हिंदी पद्धति के द्वारा हम लोगों को काम प्रारंभ करने के लिए संविधान से अनुरोधना है। हम ये हिंदी पखवाड़ा मना रहे पक्ष तत्सम का पखवाड़ा 15 दिनों तक हिंदी हमारी मातृभाषा है। पता है कि संविधान ने जितनी स्वतंत्रता हमें दी शायद हिंदी में हमारे भारतीय उनकी भाषा को उनकी भाषण पर आपत्ति जताई। महात्मा गांधी ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, मैं हिंदी भाषा में नहीं बल्कि भारत की भाषा में बोल रहा हूँ। इसका मूल उद्देश्य हिंदी भाषा को जन जन तक पहुँचाना, हमारी भावनाओं को हिंदी आपका।
आस्था से तलवार तलवार रस ले। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है सहोदया के द्वारा, इसमें किन किन विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं और क्या किस विषय पर चल रही है? पटना सहोदया के अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर चल रही हैं, जो कि बिहार स्तर पर आयोजित की गई है। हमारे आज इस विद्यालय में 2 दिनों का कार्यक्रम था, 11 सितम्बर और 12 सितम्बर। 11 सितम्बर कल हम लोगों ने काव्य पाठ का आयोजन किया था, जिसमें वीर रस में बच्चों को प्रतियोगिताएं वीर रस के ऊपर पाठन करना था, काव्य पाठन, जो कि बहुत अच्छा हुआ। और आज उसका दूसरा दिन है, जिसमें सब हिंदी पखवाड़े में हिंदी सब्जेक्ट पे अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 स्कूल आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, DAV पब्लिक स्कूल एवं SC/ST स्कूल, और हमारे ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के साथ इनकी अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएँ का आयोजन आज हम लोग किए हैं। और इस प्रतियोगिता में जिले के सभी विद्यालयों को इस अवसर पर हम लोगों ने बुलाया था, बिहार के भी सारे विद्यालयों को इन्विटेशन किए थे, लेकिन सिर्फ 2 ही विद्यालय आ पाए हैं, और हमारे विद्यालय के बच्चों के साथ भी ये प्रतियोगिता की जा रही है।